करीना के बाद अब सैफ अली खान के साथ काम करेंगे हाथीराम चौधरी। एक्शन थ्रिलर फिल्म में आएंगे नजर। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर रॉबी ग्रेवाल कॉप थ्रिलर में अपनी बेहतरीन निर्देशन कौशल के लिए जाने जाते हैं। कहा जा रहा है कि ग्रेवाल एक मजेदार स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें सैफ अली खान जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब इन तीनों स्टार को दर्शक एक साथ पर्दे पर देखेंगे। इस फिल्म का नाम ज्वेल थीफ है। अब इसकी शूटिंग को लेकर एक अपडेट सामने आया है जिसमें लोकेशन को लेकर कुछ खुलासा हुआ है। इन दिनों ज्यादातर फिल्मकार विदेश जाकर वास्तविक लोकेशन पर शूट करना पसंद कर रहे हैं। इसका कारण है कैमरे में खूबसूरत दृश्य फिल्माने का मौका और विदेश में शूटिंग पर मिलने वाली सब्सिडी। इन्हीं में से एक है रॉबी ग्रेवाल के निर्देशन में बन रही फिल्म ज्वेल थीफ। डायरेक्टर अपनी इस फिल्म की शूटिंग यूरोप के कुछ शहरों में करने का प्लान कर रहे हैं। इसके लिए फिलहाल रॉबी यूरोप में रेकी पर गए हैं। उनकी योजना यूरोप में इस फिल्म के कुछ एक्शन सीन और गाने शूट करने की है। उससे पहले शूटिंग के दूसरे शेड्यूल के अंतर्गत फिल्म की टीम 7 अप्रैल से मुंबई में शूटिंग करेगी। रॉबी की योजना मई तक इस फिल्म की शूटिंग खत्म करने की है। बता दें कि सैफ अली खान और जयदीप की ये फिल्म सिद्धार्थ आनंद के बैनर मलिक्स प्रोडक्शन के तहत बनाई जाएगी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें जयदीप और सैफ अली खान को एक्शन करते देखा जाएगा। बता दें रॉबी एक्शन थ्रिलर के लिए जयदीप अहलावत को चुना है। बीते कुछ सालों में जयदीप का टैलेंट उभर सभी के सामने आया है। उन्होंने वेब सीरीज पाताल लोक में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था। सैफ अली खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें आखिरी बार फिल्म आदिपुरुष में रावण के किरदार में देखा गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अब जल्द फिल्म देवरा में नजर आएंगे। तो वहीं जयदीप अहलावत को करीना कपूर खान के साथ जाने जान में देखा गया था। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब।